हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का इस वीडियो में आप आपको बताएंगे पॉइंटिंग क्या है। देखिए आप कंस्ट्रक्शन लाइन में पॉइंटिंग आप पढ़ते हैं पर आपको समझ में नहीं आता पॉइंटिंग क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वही चीज़ को बताने वाले। चलिए वीडियो पर बने रहेगा। तो दोस्तों आप आइए, आपको पॉइंटिंग क्या है, प्लास्टर क्या है, इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को हम दूर करके आपको पॉइंटिंग और प्लास्टर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले जान लेते हैं, देखिए पॉइंटिंग। दोस्तों पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम समझेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जो नॉर्मली जो दो ब्रिक के बीच में जो हमारा मोर्टार का लेयर होता है वो उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है, भरना होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग बोलेंगे। पर प्लास्टर किसे बोलेंगे, जो हम क्या करते हैं, वाल जितना सारा ब्रिक मेसनरी का वाल होता है, स्टोन मेसनरी का वाल होता है, उसको हम क्या करते हैं, पूरा रूप से कवर करके उसमें स्मूथ बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टरिंग बोलेंगे। आप आइए, आपको हम प्लास्टरिंग कहाँ पे किया है और पॉइंटिंग कहाँ पे किया हुआ आपको प्रैक्टिकली दिखाकर समझाते हैं। वाल है, ठीक है, ये नॉर्मली ब्रिक मेसनरी का वाल है, इसमें ना पॉइंटिंग हुआ है ना प्लास्टर हुआ है। पॉइंटिंग किसे हम बोलेंगे, जैसे हम डिफिनेशन में पढ़े थे, पॉइंटिंग में क्या होता है, जो जनरली दो वाल है, जैसे मान लो एक ब्रिक ए होगी, ए ब्रिक ए होगी, तो दोनों बीच में क्या है, देखिए ये मोर्टार के बीच में क्या है, गैप है। देखिए आप ये सब गैप देख रहे हो, तो क्या है, इस गैप को भरना होता है। देखिए यहाँ पे इतना गड्ढा दिख रहा है आपको गैप, तो इस गैप को हम भरते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, दो ईंटा के बीच में जो मोर्टार होता है उसको सिर्फ पॉइंटिंग क्या करता है, भरता है। पर प्लास्टर क्या होता है, जो वाल होता है, ठीक है, वाल ही को क्या करता है, पूरा वाल को क्या करता है, भर देता है, यानी कि ऊपर से एक मोर्टार का लेयर, यानी कि एक इंच से भी कम होता है, 10 mm 12 mm का क्या होता है, एक लेयर होता है मोटे सा, वो लेयर इसको भर के स्मूथ बनाते हैं, वो क्या है, प्लास्टरिंग हो गया। आइए आपको पॉइंटिंग कहाँ पे किया है वो आपको दिखा देते हैं और किस तरह का किया है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो वाल, ठीक है, ये जो वाल देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंटिंग किया है। पॉइंटिंग का मतलब क्या आपको बोले थे, जो दो ब्रिक होता है ना, दो ब्रिक के बीच में जो मोर्टार का गैप होता है उसको क्या करता है, पॉइंटिंग भरता है। तो देखिए गाइज ये आपको वाल ब्रिक दिख रहा है और ये ब्रिक दिख रहा है, देखिए गाइज ये ब्रिक दिख रहा है, ये ब्रिक दिख रहा है, इसके बीच में जो मोर्टार का एक लेयर था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ऊपर से मोर्टार रख के इसको क्या किया है, भर दिया है। पर देखिए इसमें ब्रिक दिख रहा है ना, पॉइंटिंग में क्या है गाइज, इसमें जो ब्रिक होता है वो ब्रिक दिख रहा है, दिखता है, पर हमारा जो ब्रिक का बीच में, दो ब्रिक का बीच में जो लेयर होता है मोटार का, वो इसमें क्या होता है, बंद होता है, उसको हम जहाँ कवर करके क्या करते हैं, इस वाल को स्ट्रेंथ बनाते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंटिंग जो करते हैं तो उसमें खर्च कम लगता है, पर प्लास्टिक में खर्च ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक में मोटार ज़्यादा लगता है और पॉइंटिंग में कम लगता है, बहुत ही कम मोटार लगता है, क्योंकि इसमें जो गैप होता है उस गैप को ही हम भरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको पॉइंटिंग का समझ आ गया दोस्तों, इस तरह का आप वाल देखेगा कहाँ कहीं पे, तो वो पॉइंटिंग है। और कभी भी आप वाल बनाते हैं तो एटलीस्ट पॉइंटिंग देने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, प्लास्टरिंग में ज़्यादा मोटा लगता है, उसको खर्च बचाने के लिए आप एटलीस्ट पॉइंटिंग कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंटिंग किया हुआ है, और ये आप देख सकते हो ये इसमें क्या है, प्लास्टरिंग किया हुआ है। देखिए ये जो वाल था, ठीक है, इसमें क्या किया है, सीमेंट मोर्टार के साथ क्या किया, इसको पूरी तरह से स्मूथ कर दिया, देखिए कितना चिकना कर दिया है, तो ये क्या हो गया, प्लास्टर हो गया, ठीक है गाइज। और पॉइंटिंग भी समझ गए और प्लास्टरिंग भी समझ गए गाइज। कोई भी वाल हो, इस तरह का वाल देकर मत छोड़िएगा, उसमें एटलीस्ट पॉइंटिंग कर दीजिएगा, इसका जो गैप होता है उसको भर देंगे तो क्या होगा, इधर से पानी का उधर साया भी नहीं जाएगा, और ठीक है, और साथ ही साथ ये वाल होता है वो मजबूती होता है, ठीक, इसके साथ मान लो इस मोर्टार के साथ ब्रिक अच्छा नहीं बोन बनाए तो पॉइंटिंग के साथ भी क्या करेगा, वो अच्छा बोन बना लेगा, ठीक, इस हिसाब से आप पॉइंटिंग एटलीस्ट दीजिएगा। इसमें जैसे स्नेक हो गया, सांप उप कीड़ा उड़ा जितना होता है, इसमें कोई इंटर नहीं कर सकता, पॉइंटिंग देंगे तो, प्लास्टर देंगे तो बहुत अच्छा हो गया, पर प्लास्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर पॉइंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पॉइंटिंग और प्लास्टर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा दोस्तों, पॉइंटिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, आई होप मैंने दूर कर दिया होगा। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।